हैं, गंभीर हालत में तीन प्रयागराज रेफर किए गए हैं। आरोपी युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक ही घर में दो सगे भाइयों का तिलक था। करारी थाना क्षेत्र के बैश काटी का ये पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग की गई है। कौशाम्बी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से हर्ष फायरिंग की ये वारदात सामने आई है। एक ही घर में दो सगे भाइयों का तिलक था, हर्ष फायरिंग हुई, चार लोग घायल हुए हैं। करारी थाना क्षेत्र के बैश काटी का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग की बड़ी घटना सामने आई है। हर्ष फायरिंग में चार लोग को गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यासीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन चार लोग घायल हुए हर्ष फायरिंग में। सर, मैं बता दूं, करारी थाना क्षेत्र के बैसघाटी गांव का मामला है, जहां पर सीधा कार्यक्रम चल रहा था। उसी में जो है जो एक युवक था उसने फायरिंग की, जिसमें जो है एक किशोरी, एक युवती, वो दो महिलाओं को जो है गोली के छर्रे लग गए हैं। घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। उसके बाद तीन महिलाओं को, उसमें से तीन दो महिलाएं एक किशोर युवती को जो है एसआरएन प्रयागराज भेजा गया है। पुलिस ने युवक को जो है बंदूक साथ जो है अरेस्ट कर लिया है, उसे पूछताछ करके कार्रवाई कर रही है। यासीन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कौशाम्बी से मैं आपको ये खबर बता रहे थे। तो कौशाम्बी की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से हर्ष फायरिंग की ये घटना सामने आई है। चार लोग घायल हुए हैं। हर्ष फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी है।